Viewers, today I am going to tell you about an embedded DD1 playlist. Follow all the steps and get views. आप embedded video और playlist को use करके अपने views को बढ़ा सकते हैं. Click or miss. ये आप पे depend करता है कि आप ये video पूरा देखते हैं या नहीं. अगर पूरा देखेगा तभी आपको कुछ फायदा होगा, otherwise नहीं. वॉच टाइम के लिए कोई नहीं रोक सकता है, ये जादू है. आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वॉच टाइम. वीडियो एम्बेडेड वीडियो और प्लेलिस्ट एक जादू है जो आपको वॉच टाइम दिलाएगा. सो लेट स्टार्ट. एम्बेडेड वीडियो और प्लेलिस्ट ऑन अ कंप्यूटर, गो टू द यूट्यूब वीडियो और प्लेलिस्ट यू वांट टू एम्बेड. क्लिक एंड शेयर. अब आप कोई भी वीडियो या प्लेलिस्ट खोल लीजिए और उसमें शेयर ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करिए. जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपको फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेयर ऑप्शन क्लिक एम्बेडेड, वहां पे एम्बेडेड मिलेगा, उसको क्लिक करिए. फ्रॉम द बॉक्स दैट अपीयर कॉपी द HTML कोड, तो दाईं तरफ आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें HTML कोड दिखेगा जिसको आपको कॉपी करना है और पेस्ट कोड इन टू योर वेबसाइट और एनी ब्लॉग. तो कैसे करते हैं इसको चल के देखते हैं. सबसे पहले आपको नोटपैड में, सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है. वहां पर जाकर के चैनल का कोई भी वीडियो ले लीजिए और उसको शेयर करिए. हमने जानबूझ के आवाज रोक रखी है क्योंकि फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. उसको जब आप शेयर करिएगा तो देखें, यहाँ एक तो वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको कॉपी कर सकते हैं या एम्बेडेड कर सकते हैं. एम्बेडेड करते ही मान आपको HTML कोड मिलेगा. इस कोड को कॉपी कर लीजिए और अपने नोटपैड में, हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये तीसरा बना रहे हैं हम वीडियो. ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है और एक वीडियो बना रखा है. तो जिसको भी आपको रन करवाना अपने वेबसाइट या ब्लॉग में, उसके इस एम्बेडेड HTML को कॉपी करके और फाइल करके सेव एज करिए. सेव एज करके हमने try.html किया, इसमें सेव रिप्लेस कर दिया. अब ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया. जब सेव हो जाएगा तो हम इसको वहाँ से भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं. जब आप रन करिएगा तो देखिए ये आ गया. तीन हमने बनाए थे, तीन आ गया. एक ये वीडियो आ रहा है, एक ये वीडियो आ रहा है और एक प्लेलिस्ट आ रही है. तो जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होता है, हमारी प्लेलिस्ट चल जाती है. अब ये देखिए जो प्लेलिस्ट चली है, ये प्लेलिस्ट अपने आप देखिए, दूसरा वीडियो अपने आप ही आता चला जाएगा. जैसे ही रन होकर ये खत्म होगा, ये देखिए तीसरा वीडियो, दूसरा वीडियो आया, अब तीसरा वीडियो आ जाएगा. तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे रन हो जाएगी, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा. दूसरा तरीका है, आप वीडियो को शेयर करिए. तो वीडियो को जब शेयर करिएगा तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करिएगा, अब ये देखिए वीडियो यहाँ पे रन करना है तो वीडियो भी रन हो जा रहा है. यहाँ से अगर शॉर्ट लिस्ट को खोल लेगा जो वीडियो खोल रहा है, तो शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा. तो इस तरह से देखिए, इसमें वीडियो बदलता जा रहा है, अपने आप वीडियो बदलता जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपका प्लेलिस्ट ब्लॉग या वेबसाइट पे चल जाएगी, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा. अब दूसरा तरीका ये है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा है, कुछ लॉस भी है. अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो को रन किया तो क्या होगा, उसमें सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ेंगे जितना कि यूट्यूब पे करने पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं. और वहाँ पे वॉच टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन सब्सक्राइबर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि YouTube पे आपने इसको नहीं खोला है. और हो सकता है आपके सब्सक्राइबर बढ़ना कम भी हो गया हो. आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंट कैसे
वीडियोस जो है वो रन होता जा रहा ऑटोमेटिकली जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है। हमने शॉर्ट इसीलिए लगाया जिससे आप लोग को दिखा सकें कि कैसे प्लेलिस्ट अपने आप वहाँ पर साइट पर चलती जाएगी। हमने एक छोटा सा try.html इसीलिए बनाया आप लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ये देखिए कितना फ्रीक्वेंट वो चेंज होता जा रहा है। अब ये 30 सेकेंड्स हुआ है, 31 सेकेंड के बाद आपके पास ये देखिए आ गया पॉपुलर यूनिवर्सिटी टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। ये नया वीडियो रन हो जाएगा। आप देख खुद देखिए कि यहाँ से कैसे वो चेंज हो जाएगा। अभी 47 सेकेंड्स हुआ है, 51 के बाद नया वीडियो आ जाएगा। ये देखिए नया वीडियो आ गया। तो इस तरह से आप अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका वही हमने बताया ना कि फायदा है तो लॉस भी है। आपको शेयर करते समय अलाउ एम्बेडिंग को अलाउ करना है या डिसअलाउ करना। अगर अलाउ कर देते हैं आप शेयर करते समय तो वो उस प्लेटफॉर्म पे खुल जाएगा जहाँ आपने शेयर किया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो। लेकिन जब अलाउ एम्बेडिंग को आप ऑफ कर देते हैं, उसके ऑप्शन है मोबाइल में और इसमें, तो आपका क्या होगा, वो वीडियो जो है वो उस प्लेटफॉर्म पर रन ना हो करके यूट्यूब पर रन होगा। और यूट्यूब पर रन होगा तो उससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। सो इसका अलाउ एम्बेडिंग का फ़ायदा है तो लॉस भी है। तो कुछ समय आप तो जब ज़रूरत हो तो अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ कर दीजिए, और नहीं ज़रूरत है तो ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। So this is all today viewers. If you like this information, please share and subscribe. I hope you will increase your watch time by using this information. Thank you viewer, and please if you like this information, please run, share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link given in the description. Join Telegram channel Tech Ratan. गो टू कम्युनिटी एंड आस्क योर क्वेश्चन इफ एनी। आप लोग कम्युनिटी पे जाते ही नहीं है, जाके वहाँ पर कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिखिए जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।